हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं बराबर की अचार। तो ये इसलिए बराबर की अचार इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये बराबर एकदम होता है, एक बराबर होने के कारण इसका नाम बराबर का अचार पड़ा है। तो इसका अचार आम का बनता है। तो आम पहले आप धो लीजिए, आप कोई भी आम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा आम लिया है, तो इसमें सन तो कुछ ज़्यादा होता है लेकिन ये आम जो होता है वो खट्टा ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको अचार के लिए लिया है। और आप कोई भी आम ले सकते हो, तो कोई भी आम का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको पराठे के साथ खाते हो तो मज़ा ही आ जाएगा। और आप एक बार ट्राई करके देखो, पक्का ही आप बार बार बनाओगे। तो आप एक बार बना कर देखो। तो मैंने यहाँ पर आम सबको छीन लिया है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे आम का ग्रीन पार्ट निकाल लिया। उसके बाद हम ये कद्दूकस से एक एक आम को धीरे धीरे कद्दूकस कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा कद्दूकस हुआ है। तो गुठली को हम निकाल लेंगे और हम आम के जो गुद्दा होता है उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप पहले के लोग इसको कद्दूकस करने की जगह पे ये ग्राइंड कर देते थे मिक्सी में, और या सिलौट लोड पे उसको कूच देते थे। तो उससे एक बराबर होता नहीं था और ये कुछ ऐसा बारीकी से नहीं होता था। तो आप ऐसे कद्दूकस करोगे तो ये एक बराबर और ये बहुत ही सन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप आम सबको कद्दूकस कर लो, उसके बाद इसको पानी निचोड़ लो। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी हो जाता है, तो आप पानी निचोड़ लोगे, उसके बाद इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से पानी इसका निकल चुका है। और ऐसे ही हम सारे को पानी निकाल लेंगे, और पानी निकालने के बाद कुछ इतना बचा है। तो हमने सारे में से पानी निकाल लिया है, और पानी निचोड़ने के बाद एकदम ड्राई हो चुका है और इसको धूप में सुखाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम सारे अब मसाले डालेंगे, तो इसमें ज़्यादा मसाला पड़ता नहीं है। तो हम पहले अजवाइन और मंगरेल डालेंगे, जिसको कलौंजी भी बोला जाता है। तो हम इसमें अजवाइन मंगरेल डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो मैंने यहाँ पर 3 स्पून चम्मच लिया है नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। और तेल यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, तो मैंने 1 कप ले पहले सरसों का तेल डाला है। उसके बाद आप बाद में और तेल डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें और मसाले डालेंगे, जिसमें होता है लहसुन अदरक और मिर्ची। तो इस सबको लहसुन को छील लीजिए, और छीलने के बाद इसको दरदरा कूटना रहता है, और चाहे आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अदरक को छील लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लिया है। तो मिर्च थोड़ा सूख चुका है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं दरदरा थोड़ा सा इसको कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया। आप कूट भी सकते हैं इसको सिलौट लोड पे, या फिर कुछ भी। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे डाल लिया है कुचा में। और डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, और धूप में सुखा कर इसको रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने लहसुन और मिर्च और ये लिया है अदरक, तो यही मसाला इसमें पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसको धूप पे सुखाए 2 दिन और ये रेडी हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।